प्यारे बच्चों, हमारा आज का विषय है वाच्य एवं उसके भेद। वाच्य कहते किसे हैं? क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया के विधान का विषय क्या है, अर्थात क्रिया किसके अनुसार हो रही है, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार अथवा भाव के अनुसार, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य मतलब बोलने का विषय, किसके बारे में बात हो रही है, किसके अनुसार बात हो रही है, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार अथवा भाव के अनुसार, वो वाच्य कहलाता है। वाच्य के तीन भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जैसे देखिए, राम इमली खाता है, यहाँ पर राम हमारा कर्ता है, काम को करने वाला है, हमारा सब्जेक्ट है राम, और खाता है हमारी क्रिया है। अगर यहाँ पर सीता होती तो यहाँ पर क्या आता, खाती है, सीता इमली खाती है, तो क्रिया किसके अनुसार बदल रही है, कर्ता के अनुसार, तो यहाँ पर हमारा कर्तृवाच्य है। उसके बाद आता है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, क्रिया कर्म के अनुसार होती है। जैसे राम द्वारा इमली खाई जाती है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, जाती है स्त्रीलिंग शब्द है, और इमली क्या है, हमारा कर्म है, और इमली भी स्त्रीलिंग है, तो हमारा यहाँ पर जो हमारी क्रिया आई है वो इमली के अनुसार आई है, अर्थात कर्म के अनुसार आई है, न कि कर्ता के अनुसार। तो कर्म के अनुसार यहाँ पर क्रिया आई है, तो इस वाच्य के अंदर कर्म वाच्य है। पहले वाक्य में क्रिया खाता है, पुल्लिंग है, जो कि राम अर्थात कर्ता के अनुसार है, और दूसरे वाक्य में क्रिया खाई जाती है, स्त्रीलिंग है, जो कि इमली अर्थात कर्म के अनुसार है।